दाजिया है तो दाजिया ले लो ना। मैं जाऊं क्या राउंड मार के? मुझे समझ एक बार जब दिया नाम था उसका, फिर भी बोली नहीं दूंगी। क्या बोला तूने? किसी देखो तुम लोग पहले पूरा सुन लिया करो, उसके बाद जज किया करो, ठीक है? ओके। कि दिया नाम था उसका, फिर भी बोली नहीं दूंगी किसी। और क्या तुम लोग कर रहे हो मेरी लाइव स्ट्रीम को मिसी? तो टेंशन नहीं लो, तैयारी बिल्कुल चरम सीमा पर है। बस कुछ दिन और फिर अपन लाइव में गदर मचाएंगे। खैर आगे बढ़ने से पहले आज भी आपसे पूछूंगा वही सवाल, तो और भाई लोग क्या हालचाल? तो कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल अब बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो आज का मैच है छोटा और मेरा है बहुत मोटा मोबाइल। देखो फिर से तुम लोगों ने गलत सोचा ना, प्लीज थिंकिंग सुधारो। हाँ तो आज का मैच है छोटा लेकिन बहुत अच्छा है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे मिलिट्री बेस और यहाँ उतरते ही मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जो कि किसी और के ऊपर टीपीपी ले रहा है। तो देखो यार कैसे निपटाते हैं उसको। ये आ रहा बोट, आ जा रहा हूँ, मतलब बोट आ कह रहा हूँ, बोट जा रहा हूँ बहुत हार्ड। आ गया मैं इसकी पेटी में। अब ये नंबर वाले चाचा की तो मैं नॉक करके सीधा पेटी बना देता हूँ, क्योंकि गोली चलनी चाहिए तब तक, पेटी न बन जाए जब तक। लेकिन ये सामने की तरफ टीपी भी ले रहा था, तो मैं भी सामने की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी दो दे रहे हैं। हाँ दो दो दो, उसको रिवाइव दे रहा हूँ वाला। डॉट मार्केट बहुत। हाँ भाई कैसी लगी भाई? क्या खड़ा हो जाता है बहन, जो बंदे से लगते हैं पूरे। उसको स्वाद आ गया होगा, स्वाद। बेटा तुम वन वर्सेस फोर की बात करते हो, मैं अकेले पड़ता हूँ 100 पे भारी। और टक्कर लेने से पहले सोच लेना सामने खड़ा है संघर्ष तिवारी। तो बोलो संघर्ष, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ हो तो भैया शुरुआत में ही लाइक के काले बटन को ठोक दो यार। फिलहाल इन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि सामने की तरफ भी दो टीम आपस में मुठभेड़ कर रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो हमें कोई नहीं दिखता, पर फिर अचानक से हमारे ऊपर से कोई बंदा उड़ के निकलता है। कोई उड़ा, कोई उड़ा, उड़ गया, उड़ गया। हाँ उड़ रहा है, कोई उड़ रहा है। हाँ ये कोई उड़ रहा है। गया ऊपर, गया। अब उड़ने वाला तो उड़ गया, लेकिन एक बंदा सामने की तरफ से हमारे ऊपर गोली चलाता है। तो मैं फटाक से पट्टी लगाता हूँ और देखो यार आप क्या ही सीन होंगे। इधर एक है इस साइड। मार्क द लोकेशन। अब एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसका दूसरा टीममेट अभी भी बचा पड़ा है। तो मैं धैर्य पर ऊपर जाता हूँ और देखो यार उसको भी कैसे निपटाता हूँ। वॉच आउट। मेरे पास है बम। जस्ट पीछे हूँ, लेफ्ट से आया। तू मेरी बेबी, मैं तेरा सोना। कि तू मेरी बेबी, मैं तेरा सोना, डरती क्यों हो पागल, तुझको तो मेरा ही होना। पर किल मत चुराया करो यार, नहीं तो तुम सिर्फ भगवान की होगी।
तो यार यहाँ पे ये ड्रीम गर्ल मेरी ये किल चुरा लेती है और ये बात बिल्कुल गलत है, पर आपको पता है जो गलत है वो ही चलत है, तो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल यार इन बंदों को निपटाने के बाद मिलिट्री बेस पूरा खाली हो जाता है, तो हम लोग लूट लाट करके सीधा इस तरफ आते हैं और यहाँ आते ही यमराज ये कहता है बंदा आ रहे पीछे से इसके, हो बढ़िया तो यार यहाँ पे हमको एक ही बंदा दिखा था तो हम बड़ी चौड़ में उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन फिर पता चलता है कि एक्चुअल में फुल सकॉर्ड होती है, तो दो बंदों को मैं निपटा देता हूँ, लेकिन अभी दो बंदे और बचे पड़े हैं। पीछे बंदा और अब बचा एक आखिरी बंदा जिसे मारेगा फौजी बहुत गंदा, देखो यार आप भी। एक नंबर है जिनके अंजाम थे खराब, हमने छोड़ दिया उन धंधों को कि जिनके अंजाम थे खराब हमने छोड़ दिया उन धंधों को और एक लड़की ऐसी थी जो बोला करती थी चीर डाला फौजी सर, काट के रख दिया बंदों को। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो यार फाइनली मैं स्टीम की भी पेटी बना देता हूँ, तो अगर आपको ये क्लच अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखो हमें आगे जाना है, यहीं पे नहीं टिके रहना, तो आगे जाने के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो प्लीज यार सब्सक्राइब के लाल बटन को ठोकना मत भूलना, ठीक है। फिलहाल उन बंदों को निपटाने के बाद हम लोग सीधा स्कूल अपार्टमेंट आते हैं और यहाँ आते ही मुझे एक अद्भुत सी चीज दिखाई देती है, देखो यार आप भी। अरे ये क्या बवाल है, ड्रोन वो मेरा बहुत रेंडर हुआ, बंदे है ना आगे बहुत ज्यादा, और ये चीज मैंने सच में पहली बार देखी थी। खैर सामने की तरफ मुठभेड़ हो रही है और फिर मुझे एक बंदा दिखता है, तो देखो यार धोखे से हेडशॉट, देख लो दासिया है तो दासिया ले लो ना, मैं जाऊंगा राउंड मार के क्या। 24 घंटे बॉर्डर में झूमता है भारत का तिरंगा, बेटा मत लेना कभी फौजी की एडब्ल्यूएम से पंगा। तो यार यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसके तुरंत बाद उसका टीममेट दौड़ा दौड़ा उसको रिवाइव करने जाता है, और फिर वो जा रहा लिफ्ट से जा रहा। और देखा आपने, उसको मैंने बॉडी शॉट मारा और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया, अजीब अजीब से गिले से पबजी में। फिलहाल देखो यार मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि अब इनको सीधा घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि बहुत दिन से 20-22 से ज्यादा किल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग सीधा रश करके यहाँ जाते हैं, पर फिर पता चलता है कि वो बंदे हमारे मुंह के ऊपर ही खड़े हैं, इसलिए मैं इस वाली लिफ्ट से ऊपर नहीं जाता और फिर लेफ्ट से फ्लैंक करके यहाँ से ऊपर जाता हूँ। लेकिन भाई क्या कुक करके ग्रेनेड पैदा हुआ, तो यहाँ आते ही मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और फिर देखो यार क्या ही सीन होता है। तो स्कूल अपार्टमेंट से कोई बंदा मेरे ऊपर स्नाइपर चिपकाता है, तो मैं फटाक से पट्टी लगाता हूँ और फिर एक बम बबूरा करता हूँ, जिससे कि कुछ भी नहीं होता। तो मैं बोलता हूँ कि यार थोड़ा ऊपर चढ़ के देखते हैं कि एक्चुअल में बंदे हैं कहाँ पे। पर अनु
पीछे देखो मेरी साइड से नीचे आ रहा है बंदा। मरे तो नहीं यार, खत्म है। और इन बंदों ने मुझसे कहा कि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, मारूंगा जरूर लेकिन रोने नहीं दूंगा। कैसे न रोऊं यार, जब ऐसे तड़पा तड़पा के मारेंगे तो आंसू तो आएंगे ही ना भैया। बहुत बुरा लगा यार मजाक से हटके। फिलहाल देखो यार, इस मैच में तो मैं मारा जाता हूँ, लेकिन अब जो आप गेम प्ले देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इस मैच को भी पूरा देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा भैया। पर फिलहाल हम उतरे हैं नोवरपनो और यहाँ उतरते ही मुझे M4 मिल जाती है, तो पकड़ते हैं यार बंदों को। उतरते ही मैं AR गेमिंग की पेटी बनाता हूँ और उसके बाद लूट लाट करके आगे की तरफ जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे आगे की तरफ दो दो बंदे दिखते हैं। और फिर बंदे आ जाए चाहे कितने भी तगड़े, अपन अपना बेस्ट देकर खेलता है। कि बंदे आ जाए चाहे कितने भी तगड़े, अपन अपना बेस्ट देकर खेलता है, और बेटा तेरे जैसी स्क्वाड को फौजी बन बन HP में पेलता है। खैर ये लोग तो भाग रहे थे, तगड़े कहीं से भी नहीं लगे। लेकिन आगे आपको बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े बंदे देखने को मिलेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे इन बंदों को निपटाने के बाद हमें हमारे सम्मानी आदमी बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उनकी मैं सम्मान पूर्वक पेटी बनाता हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ से निकल रहा था तभी मुझे एक बंदे की फुटस्टेप आती है। बेटा 50 बार कहे हैं इफ यू आर कैंपर आई एम तुमसे भयंकर। तो यार यहाँ पे ये बंदा कंटेनर के पीछे खड़ा हुआ था, वो तो अच्छा हुआ मुझे चाचा के पैर दिख गए, इसलिए मैं पहले से ही रेडी हो गया था। खैर इसको निपटाने के बाद मुझे लग रहा था कि अब नोवरपनो में कोई भी नहीं बचा है, तो मैं यहाँ से लूट लाट करके अपनी लंबरगिनी से निकल जाता हूँ। पर तभी बीच रास्ते में ही ये सीन होता है। ये बहन का लोड़ा वो रहा छत के ऊपर, कैसा झाटू बंदा ये रहा। तो यहाँ पे एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है और एक को मैं, और अब बचा एक लास्ट जो कि मरेगा बहुत फास्ट। देखो यार आप भी किल तो तू होगा फौजी के हाथों, तो भाग कहां तक भाग के जाएगा, मारूंगा तुझे तेरे टीममेट के सामने और कोई बचाने भी नहीं आएगा। तो यार यहाँ पे बंदे कैम कर रहे थे, फाइनली हम इनकी भी पेटी बनाते हैं, तो पबजी वालों प्रो बनने के लिए कर लो इंस्टा में फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर ये मैच यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब आपको जो सीन देखने को मिलेंगे वो काल्पनिक घटना में आधारित होंगे, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, मजा टाइप का जाएगा। मेरे को फिनिश कर रहा है, मत मार वो ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदे कैम कर रहे थे, जिनमें से एक बंदा छत में होता है तो इसकी मैं पेटी बना देता हूँ, लेकिन इसके बाकी की टीम में देखो यार कहाँ कहाँ फैले पड़े हैं। अरे एक वो पानी नीचे आएगा, एक एरा नीचे, सबसे नीचे फ्लोर पे ऊपर आ रहा है। अभी बंदा है,
वो बोट मार रहा है जाके माँ बाप के होते हुए दुनिया का हर सुख मिल जाता है और जब आता है फौजी मैदान में तो पूरा सर्वर हिल जाता है। तो यार फाइनली मैं सकॉट की भी पेटी बना देता हूँ लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट यमराज की भी बलि चढ़ जाती है। हालांकि बचाने की पूरी कोशिश की थी पर वही बात आती है ना कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। खैर मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे काल्पनिक घटना में आधारित सीन तो कुछ हुआ नहीं है तो क्यों बोले थे फौजी। तो रुको जरा सबर करो क्योंकि अब आप जो सीन देखने वाले हो उसे देखने के बाद पबजी से विश्वास उठ जाएगा आपका मजाक से हटके। तो ऐसा क्या होने वाला है देखो यार आप भी। अरे गिलिच कम से भी गिलिच रेड जोन की। कहाँ है रेड जोन? कहीं दिख रहा है आपको? नहीं ना तो कैसे मर गए हम लोग? रुको जरा सबर करो वो भी बताऊंगा पर पहले तड़पती हुई हमारी मौत देख लो। भाइयों भाइयों मेरी बात सुनो भाइयों प्लीज आ जाओ यार प्लीज आ जाओ यार मैं तुम्हारे मार लेंगे अरे यार प्लीज आ जाओ यार मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहूंगा प्लीज आ जाओ यार जल्दी आ जाओ यार तू मुझे पता है यार प्लीज आ जाओ यार जल्दी आ जाओ यार नहीं तेल मैं मर जाऊंगा यार अरे तेल नहीं तो तुझे तेल आ जाओ फास्ट फास्ट खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो जब जब किल हो जाते हैं मेरे 17 तो कंटेंट में हो जाता है खतरा। ये बात कोई मजाक नहीं बिल्कुल सीरियस यार और आई होप आज आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में नहीं था। अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना चैनल में न हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही इंस्टा में फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ कभी कभार दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो यार तो मुझे भी मजा टाइप कर जाएगा। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे लव यू ऑल जय हिंद जय भारत जय माता दी।